कभी एक सिंपल कहानी बहुत बेहतरीन तरह से स्टोरी टेलिंग के वजह से, एक्टिंग के वजह से, वो जो डायलॉग डिलीवरी है, डायलॉग जिस तरह से लिखा गया, स्क्रीन प्ले जिस तरह से लिखा गया, उसके बदौलत वो मूवी आपको देखने में बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ मैंने जब तिरुचित्रम्बलम ये मूवी देखा। ये मूवी बेसिकली एक फैमिली ड्रामा है, ये चार लोगों का कहानी है। यहाँ पे ग्रैंडफादर, फादर और सन, इन तीनों का कहानी है। इसके साथ वो सन का जो दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है उसका, इन चारों का कहानी है। उन चारों कैरेक्टर के इर्द गिर्द ये कहानी घूमता है। तो बेसिकली अगर जब मैंने ये मूवी देखा, शुरुआत में मुझे लग रहा था ये मूवी शायद एवरेज होगा, लेकिन पूरा जब ख़त्म किया मूवी तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बदल गया और ये मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। एक मूवी फैमिली एंटरटेनमेंट ड्रामा, इस तरह का मूवी अभी बहुत कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से कहानी को दर्शाया गया है, जिस तरह का स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखा गया और डायलॉग डिलीवरी बहुत ही बेहतरीन था, जिसमें वो जो इमोशन होता है, अभी देखिएगा अभी की जो फैमिली ड्रामा होता है वहाँ पे इमोशन को सही तरह से दिखाया नहीं जाता है, या तो इमोशन डालते नहीं है, या तो वो कम होता है, नहीं तो ओवरडोज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इमोशंस के ऊपर बहुत अच्छी तरह से ध्यान दिया गया और प्योर इमोशंस आपको आप देख पाएंगे हर वो सीक्वेंसेस में, चाहे वो धनुष का कैरेक्टर हो परम, चाहे वो प्रकाश राज का जो कैरेक्टर है वो, या नीलकंदन जिसका नाम है, या भारती राजा का जो कैरेक्टर है जो पजन के जो ग्रैंडफादर है, इन तीनों का जो कहानी, धनुष का कैरेक्टर है यहाँ पे, सन का कैरेक्टर प्ले किया प्रकाश राज उनके पिता है, और भारती राज प्रकाश राज के पिता है। तो ये तीनों का जो यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पे बेसिकली दिखाया भारती राज और धनुष बेसिकली यहाँ पे दादा और पोता है, दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है, जो नो मतलब दोनों के बीच में जो लगाव है, प्यार है, बॉन्डिंग है, वो काफ़ी अच्छी तरह से दिखाया गया है। और यहाँ पे प्रकाश राज और धनुष यानी बाप बेटे हैं, दोनों के बीच में जो वो अनबन है, किस वजह से अनबन है आप जब मूवी देखेंगे आपको पता चलेगा। वो दोनों से एक दूसरे से बात नहीं करते, दादाजी के थ्रू दोनों ही मतलब इनडायरेक्टली बात करते हैं। भारती राज यानी कि भारती राजा जो कैरेक्टर यहाँ पे प्ले किया है, धनुष का दादाजी, और प्रकाश राज के जो पिता है उनका कैरेक्टर प्ले किया है, उनका एक काम बहुत ही बढ़िया है। तो उनके थ्रू ये दोनों आपस में, धनुष और प्रकाश राज के कैरेक्टर, बात करते हैं, वो काफ़ी आपको मज़ेदार लगेगा। और इसके बाद एक मोड़ आएगा जब धनुष और प्रकाश राज का कैरेक्टर यानी बेटा और पिता दोनों एक साथ मिलेंगे एक किसी वजह से, आप जब मूवी देखेंगे आपको पता चलेगा हर वो इमोशंस को, यहाँ पे जितने सारे इमोशनल सीक्वेंसेस के हैं उसको काफ़ी बेहतरीन तरह से ट्रीटमेंट दिया गया। और जब आप देखेंगे आप इमोशंस के साथ आप अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे और उस इमोशन, उस पेन को, उस वो जो लगाव है, या वो जो फ्रस्ट्रेशन है, या वो जो लोनलीनेस है, आप अपने अंदर महसूस कर पाएंगे, फील कर पाएंगे। तो ओवरऑल इमोशंस को यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरह से दिखाया गया है। अगर एक्टिंग के बारे में बताया जाए तो मैं यही कहूँगा, धनुष, नित्या मेनन, प्रकाश राज और भारती राजा चारों का यहाँ पे काम बहुत बेहतरीन है। खासकर मैं कहूँगा धनुष का जो कैरेक्टर है परम, उन्होंने इस कैरेक्टर को जिस खूबसूरती के साथ निभाया है और बहुत सारी इमोशनल सीक्वेंसेस हैं, तो उन्होंने जिस तरह से अपने आप को यहाँ पे प्रेजेंट किया है, जिस तरह से एक्ट किया है, उनका एक्सप्रेशन, डायलॉग बहुत ही लाजवाब था। तो जब आप देखेंगे आपको अच्छा लगेगा कि एक एक सिंपल सा कैरेक्टर को उन्होंने एक्टिंग के बदौलत कितना बेहतरीन कर दिया है। इसके साथ साथ मैं कहूँगा नित्या मेनन ने शोभना का जो कैरेक्टर है उसको इतना अच्छा प्ले किया है कि मैं क्या ही कहूँ। उनके जगह पे किसी और शायद इतने अच्छी तरह से इस कैरेक्टर को पुल ऑफ नहीं कर पाता। उन्होंने जिस तरह से इमोशनल सीक्वेंसेस हो, चाहे कॉमेडी का सीक्वेंसेस हो, चाहे सीरियस सीक्वेंस हो, हर वो सीक्वेंस में नित्या मेनन का एक्टिंग बहुत ही बेहतरीन था। थर्ड जिनका एक्टिंग मुझे अच्छा लगा वो था भारती राजा का। उनका जो कॉमेडी टाइमिंग था, उनका जो इमोशनल सीक्वेंस में उनका जो डायलॉग था, उनका जो इमेज था, उनके या धनुष के जो मतलब केमिर कैरेक्टर से उनके बीच में जो दादा और पोता, इन दोनों का जो मतलब लगाव है, आपसी लगाव, बॉन्डिंग जो है, इमोशनल सीक्वेंसेस, जिस तरह से वो बात करते थे, उनका जो एक्सप्रेशन है, उनका कॉमेडी टाइमिंग, सभी कुछ बहुत ही बेहतरीन, एक दूसरे के प्रति लगाव, तो सब कुछ मिलकर बहुत ही अच्छा लगता है। इसके साथ प्रकाश राज का मतलब एक्टिंग भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मेजर मूवी के बाद इस फैमिली ड्रामा मूवी में भी उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे उनका काम और ज़्यादा बेहतर मुझे लगा। इसके साथ साथ अनिरुद्ध रविचंद्र का म्यूज़िक भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बैकग्राउंड म्यूज़िक और म्यूज़िक दोनों ही, गाने भी बहुत अच्छे हैं। और इसके साथ साथ इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी भी, विजुअल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, वो इस मूवी मुझे अच्छा लगा। और हर एक जो कैरेक्टर यहाँ पे है, धनुष का हो, नित्या मेनन का हो, प्रकाश राज का हो, या भारती राजा को, सभी ने अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे मतलब एक्ट किया है। और जो आप जब देखेंगे उनके कैरेक्टर, कहीं ना कहीं आप उनके साथ कनेक्ट कर पाएंगे, कहीं ना कहीं ये लगेगा आपके या आपके पड़ोसी के या आपके रिश्तेदारों की कहानी है, जिसमें जज्बात यानी इमोशंस को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है।
ओवरऑल यही था मेरे राय तिरुचित्रपलम इस मूवी के बारे में। आप लोग